नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आमतौर पर आप सभी ने खाने का भोज सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी फलों और सब्जियों का भोज सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए हम आपको यहाँ सब्जियों और फलों का अनोखा भोज दिखाने जा रहे हैं। जो एक शख्स लगातार 3 सालों से बंदरों को यह अनोखा भोज देकर पुण्य करता आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर में हजारों की संख्या में बंदर पाए जाते हैं, मगर जंगलों में कुछ ना होने के चलते यह बंदर मंदिर और कुंडेश्वर बस्ती में पेट की आग बुझाने विचरण करते हैं। मगर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो हमेशा बंदरों की सोचकर बंदरों को रोज विशाल भोज कराता है। दरअसल पेशों से सब्जी व्यापारी राम प्रजापति पहले शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते थे, फिर गाड़ी में भरकर फलों और सब्जियों को लाकर वहां मौजूद बंदरों को भोज करवाते हैं। राम प्रजापति प्रतिदिन 3 से लेकर 4 करेट फल भरकर बंदरों को खिलाते हैं। राम रोजाना बंदरों को अमरूद, गाजर, चकुंदर, टमाटर आदि खिलाते हैं। बंदर रोजाना ही अपने राम का इंतजार 11 बजे करने लगते हैं। सुबह के 11 बजते ही कुंडेश्वर मंदिर के यहाँ बंदर अपने राम का इंतज़ार नदी के तट पर करते देखे जाते हैं। जैसे ही श्री राम बंदरों को भोजन देने आते हैं तो बंदर प्रफुल्लित हो उठते हैं। बंदरों के इस अनोखे भोज को देखने काफ़ी लोग नदी के तट पर पहुंचते हैं। बंदरों को भोज कराने वाले श्री राम का कहना है कि उन्हें वह प्रेरणा भगवान भोलेनाथ से मिली है।